हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमालय। मैं रतलाम मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं पिछले महीने आया था, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, उसके बाद एक महीना मुझे हो चुका है और मेरी आज फर्स्ट PRP थेरेपी होने वाली है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे टोटल 5,500 ग्राफ्ट लगे थे। अभी शेडिंग फेज चल रहा है, तो शेडिंग फेज में बाल थोड़े शेड होते हैं, उसके बाद रिटर्न रीग्रो होते हैं, नेचुरली रीग्रो होते हैं। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। यहाँ पर QST टेक्निक से ट्रांसप्लांट किया गया था और एक दो दिन में यहाँ पे हाल चाल पूछते रहते हैं वैसे क्लिनिक वाले, जो भी स्टाफ वाले यहाँ का काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन वगैरह करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है, टाइम टू टाइम टेबलेट्स वगैरह लेना है कि नहीं लेना है, कौन सा टेबलेट कहाँ तक लेना है। वैसे मैंने 20 दिन से मेरी पेन किलर बंद कर दी थी। QST डिपार्टमेंट से कॉल आता है और प्रॉपर पूरी तरह से गाइड करते हैं वो, जो भी प्रॉब्लम होती है उसे ठीक तरीके से समझाते हैं, बताते हैं कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मेरे ग्राफ्ट लगे थे उसके बाद 25 दिन से 30 दिन तक खटाई वगैरह, ज़्यादा तीखा स्पाइसी वगैरह कुछ खाने का मना बोल रखा था, सिंपल नॉर्मल सा खाना खाना है। इसके बाद धूप में जाना मना होता है क्योंकि उसका रेडिएशन लगता है बालों में, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। लाइट के सामने खड़ा नहीं होना है, धूल मिट्टी से बचा के रखना है। अगर कोई एल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है तो उसे पूरी तरह से बंद करना होगा, स्मोकिंग वगैरह बंद करनी होगी। ये मेरी फर्स्ट PRP है। मेरी PRP का जो भी प्रोसेस रहेगा मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। बने रहे मेरी वीडियो के साथ एंड थैंक यू QST। PRP हो चुकी है। मेरी PRP होने के बाद मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ा, और चूँकि करना बहुत ज़रूरी भी था। बाकी क्वेश्चन मैंने सारे के सारे पूछे, सर ने सारा का सारा क्वेश्चन का सारा आंसर बताया मुझे, क्या मेडिसिन वगैरह कब से चालू करनी है, कब से नहीं चालू करनी है। PRP के बाद डॉक्टर से जब कंसल्ट करा मैंने, बहुत देर तक बात हुई, और कंसल्टेशन के बाद मुझे बताया सर ने कि 3 महीने तक करीब ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक आपका शेडिंग फेस रहता है, उसके ही दौरान बाल आते भी रहते हैं, थोड़े बहुत झड़ते हैं, उसके बाद कंप्लीट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट मेरे रिजल्ट के साथ। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।